खराब हुआ, पूरा लावा ऊपर तक आ चुका है और इसको आपके हाथ दिखाने जा रहा हूँ भाई। दी सेंसेशनल, दी वायरल, बहुत ही वायरल दिल्ली का कुल्लड़ पिज्जा, वो भी नॉन वेज वाला। भाई वेज वाले तो बहुत खाए होंगे, आज आपको नॉन वेज वाले दिखाऊंगा। भैया क्या रेट है इसका? 130 का है। 130 का यही प्राइस है कि इससे बड़ा भी आता है कि सेम साइज? नहीं, सेम साइज, सेम साइज रहता है। चलो ठीक है जी, मैं प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो अरे ये देखिए डो लेने, ये डो है, ये किस चीज का डो रहता है? ये आटा होता है, मैदा होता है। मैदा होता है? तो ये मैदे में ब्लैक ब्लैक क्या है साथ में? ये मसाला होता है। अच्छा, मसाले, मसाले भी डालते हो? नहीं जी। तो कुछ बताओगे मसाले या कुछ सीक्रेट है? सारा सीक्रेट ही ये बताएंगे। तो ये मसालों का टेस्ट भी आता होगा इसमें? जी आएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले डो हो गया, और ये कौन सा फ्लावर है? ये मक्के की आटा, ये मक्के की रोटी है, कॉर्नफ्लोर कहते हैं। तो सबसे पहले डो इन्होंने रेडी कर दी है। तो ये क्या 130 रुपए का प्राइस रहने वाला है? हाँ जी। ठीक है, दिल्ली का स्पेशल मैं आपको दिखाऊंगा कुल्लड़ पिज्जा, वो नॉन वेज वाला, चिकन चिकन वाला रहेगा। कितने तरीके के भैया देते हो वैसे आप यहाँ कुल्लड़ पिज्जा? वेज है, पनीर है और चिकन है। और तीनों के रेट? वेज वाला 90 का है, पनीर वाला 110 का है, और ये चिकन वाला 130 का है। अब ये कहाँ जा रहा है? ये उसमें तंदूर में जाएगा। अभी तंदूर जाएगा, तंदूर में आपको दिखाऊं, दिखाई दिखाता हूँ तंदूर। देखिए यार, सबसे पहले ये तंदूर ऐसा वैसा तंदूर नहीं है, स्पेशली वुड तंदूर है जो बाहर के देशों में बेसिकली यूज होता है ना। ये देखिए लक्कड़ वाला तंदूर है, कोयले वाला तंदूर नहीं है। ये देखिए, तो ये अंदर रोटी हमारी चल जा चुकी है, ये पकेगी पहले? हाँ जी पकेगी। कितनी देर के लिए अंदर गई? ये 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए गई है। ये देखिए तंदूर यार, पहले देखिए अमेरिकन तंदूर जो होता है ना, वैसा लुक दे रहा है मेरे को। और यहाँ से चिमनी इन्होंने लगाई है, यहाँ से ये जा रहा है बाहर। ठीक है, तो अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे बस उसके बाद आपको। तो 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखिए, ओहो, फूली हुई है रोटी। चलो जी निकालो, जैसे तंदूरी रोटी होती है ना। ये देखिए। तो इसके बनेंगे भाई साहब कुल्लड़ पिज्जा, इसका स्पेशली सारा रोल इसी का रहता है ना भैया? हाँ जी। तो ये देखिए हमारी रोटी आ चुकी है, रोटी भी जैसे कहते हैं ना तंदूरी रोटी जो लगती है, वैसी बिल्कुल लुक दे रही है तंदूरी रोटी की तरह। तो इसकी अभी होगी कटिंग, चलो कटिंग होगी। ये देखिए स्टफिंग की जाती है ना, इसी की जाती है। ये ऐसा कट हो रहा है जैसे पास्ता कट नहीं होता, तो वैसे स्टाइल में ये कट हो रहा है। ओके, तो अब इसमें डाल दिए चिकन, ये आगे प्याज आगे थोड़े से, मतलब वेजी जितनी डाल सकते हो डालो। ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च आ गई अपनी, और साथ में थोड़े से हल्की से टमाटर ले लिया। और ये देखिए ये है चिकन, ये चिकन कौन सा रहता है एक बार दिखा दो भैया, पीस दिखा दो। ये देखिए ये पीस है, बोनलेस है। तो फ्राई करके रहता है, कैसे रहता है? इसको फ्राई करके पहले तवे में बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद बना के सुखा करा के ड्राई करके फिर रखना पड़ता है। अच्छा, तो भाई बड़े बड़े पीस आ रहे हैं चिकन के यार, कोई कंजूसी नहीं। 130 में ये साथ में क्या आ गया भैया? ये सॉस है, ये सॉस पिज्जा सॉस है। हाँ जी। तो ये खुद की बनी हुई है या बाहर की है? खुद की बनी हुई है। ये खुद की बनी हुई है भाई, बहुत बढ़िया। जो फ्रेगनेंस आनी थोड़ी सी इनको चालू हो चुकी है, पिज्ज़ा टाइप जो की है वो मेरे को आने चालू हो चुकी है। और भाई मैं आ गया मसाला थोड़ा, ये थोड़ा सा ओरिगैनो डाला भैया? हाँ जी, ओरिगैनो डाला यार। कुल्लड़ पिज्ज़ा मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ दिल्ली में, इन्होंने मेरे को लग रहा है स्टार्ट करा है अपना पिज्ज़ा, काफ़ी टाइम हो गया इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। अब ये क्या मैक्रो में जाएगी? अच्छा, माइक्रो, माइक्रो में 2 मिनट के लिए? कितने? 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए माइक्रो, सेकंड के बाद हल्का सा माइक्रोवेव करके आ चुका है स्टफिंग। और अपना कूलर देखिए सबसे पहले आगे हो चुका है, ये देखिए। तो ये आ गई है लिक्विड चीज़ आ रही है भैया, लिक्विड चीज़ है यार। और अब देखिए, अब स्टफिंग जो ब्रेड है ना, जो हमारी बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से मसाले डाल के अब हो गया, अब जाएगी कूलर में। ये ही इसको जिसको कहते हैं हाथ में आप लेके जाओ ना पिज़्ज़ा खाने का आनंद है भाई। ये कुल्लड़ वाला आराम से आप कैरी कर सकते हो, जहाँ मर्जी आप खा सकते हो। और ये साथ में क्या डाल रहे हो? सॉस रखते हैं, तंदूरी सॉस। तंदूरी सॉस, ठीक है जी। ये देखिए भैया, पूरी ब्रेड डालोगे? पूरी एक डल जाती है? पूरी डल जाती है साथ में वेजिस के साथ। 130 रुपये का प्राइस है दिल्ली में। जलंधर के पिज़्ज़ा आपने बहुत खाए होंगे, वायरल कपल वालों के खाए होंगे आपने, आपने बाकियों के बहुत खाए होंगे, बट यार आपको दिल्ली का भी टेस्ट करवा दूंगा मैं आपको आज, पूरा भैया ने भर देना है इसको। जैसे जैसे 2 से 3 बार जो लिक्विड चीज़ भी डाल रहे हैं ऊपर से डाल रहे हैं तंदूरी सॉस, मतलब कोई कंजूसी नहीं। 130 रुपये में पैसा वसूल है।
टेस्ट वाइज आप बहुत देखेंगे क्या रेटिंग है इसकी, और देखिए अभी ये तीसरी बार फील कर रहे हैं लिक्विड चीज़ और तंदूरी सॉस, आप देखिएगा। अभी भैया लिक्विड चीज़ के साथ कौन कौन सी चीज़ चाहिए इसके इसके ऊपर? इसके ऊपर मोजरेला चीज़ जाएगी और वो सब हो जाएगी। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होगी। हाँ जी तीन प्रकार, तीन प्रकार की जाएगी। ये देखिए फिल हो चुका है पूरा। अभी 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 देखिए अभी और चीज़ बाकी है। ये देखिए जी, ये देखिए ये लावा जो बनने वाला ना, ये चीज का लावा फटने वाला है। अभी अभी फटेगा देखिए। जो 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 कुल्लड़ पिज्जा लवर है और जो जो भाई पिज्जा के लवर है भाई, टैग जरूर कर देना यार। और ये देखिए कौन सी चीज है? ये मुझे वो है मोज़रेला चीज। ये देखिए पूरी भर्ती है। ये देखिए लावा जो चीज का ना ऊपर आ गया है। अब इसकी जो असली रूप रंग आ चुका है ये देखिए भाई साहब, ये देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा लावा ऊपर तक आ चुका है। और इसको अब क्या करेंगे भैया? अब देखिए जो इन्होंने वुड वाला ओवन है ना स्पेशली बनवाया हुआ, अब उसमें जाएगी। चलो और साथ में ऊपर से आ गई ओरिगैनो, आ गई ओरिगैनो ही है ना। हाँ जी तो ठीक है जी। वुड वाला दे देखिए, ये देखिए स्पेशली भैया ने आज मुझे टाइम दिया यार। ये देखिए जो अमेरिकन तंदूर होता है ना वो ऐसे होता है वुड वाला, अंदर बिल्कुल भैया हाथ डालते हुए डर नहीं लगता यार आपको। आदत हो गई है? आदत हो गई है तो बंद हो गया। तो अभी कितनी देर के लिए हार्डली गया? ये आपको 4 से 5 मिनट लगे। 4 से 5 मिनट बन के पूरा रेडी है? हाँ जी पूरी रेडी। 4 से 5 मिनट तो भाई जैसे निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी भैया हो गया डन। देखिए मात्र 2 से 4 मिनट हो गए। ये देखिए कुल्लड़ पिज्जा हमारे निकल के आ रहे भैया बाहर। ये देखिए भैया हाथ लगाते हैं। ये देखिए रंग सूरत शेप दूसरा आ गया जी। एक वेज है एक नॉन वेज है भाई साहब। चीज़ देखिए कितनी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है और जो रेडिश फोम आ चुकी है चीज़ की। वेज कौन सा भैया, नॉन वेज कौन सा, कैसे पता लगेगा? ये नॉन वेज है, ये वेज, ये नॉन वेज है और वेज है। क्या क्या रेट है एक बार दोबारा बता दो भैया हमारी ऑडियंस को। ये वेज 90 का है और ये नॉन वेज 130 का है। 130 रुपीज़ का है। तो भैया अपना आपका नाम क्या है यहाँ पे? मेरा पवन थापा। भाई साहब मैं जब से देख रहा हूँ बहुत सालों से भैया यहाँ काम कर रहे हैं। तो भैया कितने साल हो गए वैसे बेसिकली, कितने साल हो गए यहाँ काम कर रहे इसी इनके साथ? इनके साथ 2 साल होने हैं। 2 साल हो गए। तो उससे पहले भी फूड लाइन में थे आप? हाँ जी फूड लाइन। ठीक है जी। आप मेरा भैया मैं आज आपको इसका रिव्यू करके बताऊंगा। तो जी ये अंकल जी हैं यहाँ के ओनर। तो अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है सर आपका? हमारी शॉप का नाम इटालियनो कैफे चाइनीज अड्डा करके है। ये मेन रोड चार नगर गुरुद्वारा रोड है, जो बब्बर ज्वेलर के बिहाइंड में हमारी शॉप है। और मोबाइल नंबर क्या रहता है? हमारा मोबाइल नंबर 9717302662 97 17 30 26 62 है। ओके। तो ये दुकान की टाइमिंग क्या रहती है जी, एक बार बता दो दुकान की टाइमिंग। आफ्टरनून 12 o'clock एंड नाइट 11 o'clock। मतलब दोपहर 12 से रात 11 बजे तक आपकी ओपन रहती है? हाँ जी हाँ जी। और कोई दिन बंद भी होती है या 365 दिन खुली है? 365 दिन खुली है। एक बार मेन्यू भी इनका दिखाना चाहूँगा अंकल जी, आपने लेकर बैठे। ये देखिए ये दुकान का नाम है इटालियनो कैफे और ये सारा 1 किलोमीटर तक खुली है। बहुत कुछ यहाँ पे आइटम्स है दिखाने वाली। और ये एक साइड है, ये देखिए दूसरी साइड बहुत सारे आइटम्स है। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। कुल्लड़ पिज्जा के तो दिखाने हैं भाई, टैग जरूर करके जाना और फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू जी।